नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मोबाइल कंपनियों के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में, रेलवे में, एसएससी में एक दो नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी मोबाइल कंपनी जो है किस देश की है। जी हाँ दोस्तों, एक एक मोबाइल कंपनी के बारे में जानेंगे आप, जान करके आपका दिमाग जो एकदम हिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, एग्जाम में कई बार आता है नोकिया किस देश की कंपनी, तो फिनलैंड की है, याद रखिएगा। नोकिया जो है फिनलैंड की है। लिनोवो जो है दोस्तों चीन की कंपनी है, ठीक है। चीन का थोड़ा कमाल देखिएगा। डाटा विंड जो कंपनी है दोस्तों ये कनाडा की है। वीवो जो है कंपनी, जो मोबाइल कंपनी है ये चीन की है। वीवो जो है चीन की मोबाइल कंपनी है। ओप्पो जो है ये भी आपका चीन का मोबाइल कंपनी है। नेक्स्ट बात करें तो कूलपैड जो मोबाइल कंपनी है चीन की है। कूलपैड चीन की मोबाइल कंपनी है। रियलमी इस समय बहुत ही चल रहा है, रियलमी जो है ये चीन की मोबाइल कंपनी है। जियोनी भी खूब चला है, जियोनी जो है ये चीन की मोबाइल कंपनी है। कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है शाओमी जो है कैसे कैसे गेम करता है, ध्यान दीजिए। शाओमी जो है वो यहाँ पर एक शाओमी नाम से भी निकालेगा, फिर उसके बाद रेडमी नाम से भी निकालता है, और MI तीनों नाम का यूज़ ये करता है एक ही कंपनी। ये सब रेडमी जो है इसकी उप शाखा है, ठीक है। MI का जो है ये सभी जो है चीन की कंपनी है, और ये जो है मोबाइल कंपनी चीन निकालता है, ठीक है। शाओमी, रेडमी या MI, ठीक है, असेंबल कहीं भी हो ये चीन की कंपनीज हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें, आईबॉल जो है भारत की कंपनी है। इंटेक्स जो है भारत की कंपनी है। ये सभी लोगों का अभी जान ही रहे मार्केट क्या हाल है। तो यहाँ पर आईबॉल, इंटेक्स, माइक्रोमैक्स, कार्बन, स्पाइस ये सभी जो है भारत की कंपनी है, ठीक है, इंडिया की कंपनी है। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए यहाँ पर भी सारे भारत की हैं। HCL, सेलकॉन जो कि अभी देखिए मार्केट में कम यहाँ पर आपको दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है या कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं ये सभी लोग। आप सभी लोग भी इसके बारे में सुझाव लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। लावा ये भी भारत की है, ओनिडा ये भी भारत की है, वीडियोकॉन ये सभी जो हैं भारत की कंपनियाँ हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, यूरेका करके आता था, कुछ मोबाइल्स आते हैं अभी भी। यू टेलीवेंचर जो है ये भारत की कंपनी, ये माइक्रोमैक्स का मिला जुला रूप है, ठीक है। बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर फिलिप्स जो है नीदरलैंड की कंपनी है। एसर जो है दोस्तों ये कहाँ की कंपनी है, ताइवान की कंपनी है। LG जो है दोस्तों यहाँ पर दक्षिण कोरिया की कंपनी है, याद रखिएगा। LG और सैमसंग, ठीक है, LG और सैमसंग दोनों दक्षिण कोरिया के, तो याद किया जा सकता है। एसर जो है ये ताइवान का है। फिलिप्स जो है कई बार एग्जाम में आ चुका है फिलिप्स, अब LG और LG भी आ चुका है, सैमसंग, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये सभी जो है आपके दक्षिण कोरिया के दोनों, और नीदरलैंड के फिलिप्स, यू यूरा का ये भारत की दोस्तों, यू टेलीवेंचर का, और एसर जो है ताइवान। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो है एप्पल जो है ये कहाँ की कंपनी है, ये अमेरिका की कंपनी है, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। डेल जो है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट कई बार आ चुका है, अमेरिका की कंपनी, ये तीनों जो है अमेरिका की कंपनी है। काफ़ी तीनों टक्कर देने वाली कंपनियाँ हैं एक दूसरे को, बहुत ही अच्छी कंपनियाँ हैं, ठीक है। दोस्तों बात करें जियो का, या आप LYF देखते होंगे, लाइफ बोला जाता है, तो ये जो है आपकी भारत की कंपनी है, ठीक है। एक दोस्तों आता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, लावा का ही यहाँ पर आता है, जोलो, ठीक है, जोलो, तो ये भी याद रखिएगा, लावा का ही है, ठीक है, लावा का ही है, तो ये भी भारत की कंपनी है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि कौन सी मोबाइल कंपनी कहाँ की है, 31 से ज़्यादा जो है कंपनीज़ का मैंने नाम आपको बता दिया है। आशा करते हैं दोस्तों हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आपको कौन सी कंपनी अच्छी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।